आंथा इलाके में दो आतंकी डीपीएस स्कूल में छिपे हुए हैं। आतंकी रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। आरिश बिलाल की रिपोर्ट देखिए। पाटा चौक में कल शुरू हुई मुठभेड़ का आज दूसरा दिन है। कल शाम को सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पे मिलिटेंटों ने हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। उसके बाद भागते भागते मिलिटेंट जो है यहां पे वाकया डीपीएस स्कूल में घुस गए और तब से ये ऑपरेशन लगातार जारी है। रात के दौरान रुक रुक के दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, लेकिन चूंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है तो माना जाता है कि मिलिटेंट अभी भी जिंदा है और वो अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है डीपीएस स्कूल का और वहां पे तकरीबन 100 से ज्यादा कमरे हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो हर बिल्डिंग हर कमरे को चेक करें और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड करें, क्योंकि कल ईद मनाई जा रही है और प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश होगी कि आज दिन में ही इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि और ज्यादा कैजुअलिटीज के बगैर इस ऑपरेशन को कितनी जल्दी।